दोस्तों चाय की चर्चा पर हम एक बार फिर हाजिर हैं और उसके बाद में आज बात करने हैं आगे बढ़ने से पहले सब्जेक्ट पर एक सबसे पहले क्वेरी देख लेते हैं। सर टाटा डिजिटल फंड में गिरावट कब तक जारी रहेगी, ये पूछा है किसने, प्रेम प्रकाश जी ने। तो प्रेम प्रकाश जी मैं आपके रिप्लाई देता हूं, उससे पहले एक हमारे गृहनगर बस्ती के रमेश चौधरी जी। तो रमेश चौधरी जी ठीक है, आपका परिवार में बहुत बहुत स्वागत है और अगर आप बस्ती के हैं तो आपको, अगर आपके सारे ही परिवार ही हैं लेकिन मैं भी बस्ती से ही बिलोंग करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमें वो सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि जिससे हमसे जितना हो सके लोगों का इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, इस अमेरिकी यात्रा में लोगों का भला कर सके, उनका मार्गदर्शन कर सके जो हमसे संभव हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो समय ना व्यर्थ करते हुए प्रेम प्रकाश जी के क्वेरी पर। सर टाटा डिजिटल फंड में गिरावट कब तक जारी रहेगी, देखिए प्रेम प्रकाश जी आपको एक बात बताऊं कि ये टाटा डिजिटल फंड हो या कोई भी टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, 2 साल से टेक्नोलॉजी सेक्टर का बहुत बुरा हाल है। 2022-2023 बिल्कुल सूखा सूखा गया है। 12-13% 2023 में रिटर्न दिखा है, बाकी और कुछ भी नहीं दिखा है। 22 तो बिल्कुल एकदम सूखा गया है। उसका रीजन एक रहा है अमेरिका में मची हुई भसड़। आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी पर हम डिपेंड है, किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर है। हाँ टेक्निकल हम जरूर, टेक्निकल हब जरूर है हम, बंगलोर में आपके, हैदराबाद में आपके, लेकिन इसका मैक्सिमम कारोबार किसका है, एक्सपोर्ट का है। जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसका कारोबार एक्सपोर्ट का है, या हम उसकी जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं वो भी एक्सपोर्ट ही करते हैं। तो ये दो हमारे मेनली टास्क हैं, बोल लो मेनली जॉब है, बोल लो मेनली प्रोडक्शन है बोल लो। तो उसकी वजह से हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। और उसका जो नॉस्डॉक है ना, जब तक उसकी हालत नहीं सुधरेगी, उसकी हालत कब सुधरेगी, जब अमेरिकन इकोनॉमी की हालत सुधरेगी तभी जा करके सुधरेगी। लेकिन रही बात, आप कोई भी टॉप क्लास का फंड देख लो, लार्ज कैप एंड मिड कैप का, उसमें दो होल्डिंग जरूर होगी, एक तो आपका बैंकिंग की, दूसरी आपकी टेक्नोलॉजी की। तो सेक्टर आपका गलत नहीं है, फंड आपका गलत नहीं है, इसको आप होल्ड करिए। दिसंबर तक चांसेस हैं कि ये छप्परफाड़ रिटर्न देगा। दिसंबर तक मैं भी उम्मीद लेकर के चल रहा हूं कि ये छप्परफाड़ रिटर्न देगा। नास्डाक की हालत सुधरेगी उनके इलेक्शन के जस्ट आफ्टर में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2025 में तो डेफिनेट है आपको ये कम से कम 2x का रिटर्न तो देगा ही देगा, अगर आप कंटिन्यूअस इन्वेस्टेड बने रहेंगे तो। लेकिन वही है, कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाई और सेल की सलाह नहीं। आपको पता है हम बाउंडेड हैं नियम कानून से, बट फिर भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपने अगर लिया हुआ है वैसे सेक्टर और थीमेटिक फंड को, मैं बार बार बोलता हूं इसको अवॉइड करना है। इसलिए अवॉइड करना है, ये 2-3 साल तक रिटर्न तो देते हैं, उसके बाद 2-3 साल के लिए क्या होते हैं, बिल्कुल एकदम से कॉम पड़ जाते हैं, ठप पड़ जाते हैं और बंदा वहीं पर ही बेंचमार्क करके निकलना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब इसका टाइम आता है ना, तो एक बार इतना इसका प्रोडक्शन हो जाता है, फिर ओवर एक्सपेंडिचर हो जाता है, फिर उसके बाद हो जाता है, तो मार्केट क्या करती है, बॉटम करती है, करेक्ट करती है। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपकी जो है क्वेरी को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अगला जो है बात कर लेते हैं अभी सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में बॉटम आ गया, तो बॉटम की बात करूं 3 मंत्रियों के बयान पर, एक तो अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का, दूसरा अपना होम मिनिस्टर अमित शाह जी का एंड तीसरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का। तो आपको पता ही है कि जयशंकर साहब का और अमित शाह जी का, इनके स्टेटमेंट का इंपैक्ट तो मार्केट पर पड़ा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन कल का जो स्टेटमेंट निर्मला सीतारमन ने दिया है वो एक जो चौंकाने वाली बात है, चौंकाने वाली बात क्या है, उसमें टैक्सेशन, उन्होंने क्लियर कट टैक्सेशन का मैंडेट दिया है कि क्लियर टैक्स होना चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए। चलो सब स्टेबल, स्टेबल आपकी जो है अपना गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो अजय स्टेबल आप, अजय लौकी जी हैं, लौकी जी स्टेबल आपकी, आपकी अपना गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो अभी ये क्लियर टैक्स और स्टेबल गवर्नमेंट अगर हो जाए तो मार्केट की आधी आधी समस्या तो अपना साल भी हो गई है, कोई इसमें जो है दो राय है ही नहीं है। आप ही समझिए कि आधी ना आधी समस्या आपकी आपकी सॉल्व हो गई है। तो ना भाई आधी समस्या आपकी लौकी की पॉइंट, ठीक है। हाँ कहां पर था ये देखिए, ये भाई साहब हमारे थोड़ा सा जो है वो है अपना परम मित्र हैं, आई एम सॉरी
टैक्सेशन, अगर टैक्सेशन क्लियर हो गया, जैसे मान लिया अभी क्रिप्टो का टैक्सेशन हमारे यहाँ का क्लियर हो गया, क्लियर क्या हो गया है कि 30% जो भी देना है सेस के साथ आपको देना तो देना है, लोगों का माइंड एकदम से क्लियर हो गया कि यस भाई जो मैं अर्निंग करूंगा उस पर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो मेरे को देना देना है। अब वो बाय एंड होल की स्थिति में कर ही रहे हैं क्रिप्टो वाले, ठीक है, कोई इसमें दंड फंद नहीं है, कोई इसमें चोरी चमारी नहीं है। दूसरा क्या है, मॉरिशस रूट वालों का, मॉरिशस रूट वालों का भी उसमें संदेश जो था वो साफ संदेश था किसको, बाहर वालों को, कि भाई अगर हमारी स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है तो हम क्लियर टैक्स की नीति अपनाएंगे। बात भी सही है भाई, देखो गाभिन गाभिन की स्थिति हमारे यहां पर यूपी में बोलते हैं ना, गाभिन गाभिन की स्थिति, तो वो स्थिति थोड़ी सी खराब होती। आज का जमाना जो है ना टेक्नोलॉजी का हो गया है तो थोड़ा सा मतलब जो है लोगों को क्या चल जाता है, मालूम चल जाता है यस ये गाय या भैंस है या जानवर ये जो है इसके पेट में बच्चा है या नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, अरे ये तो बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, अरे इसका तो थन ज्यादा निकल रहा है, अरे थना निकाल ली कि नहीं निकाल ली, तो 4-5 महीने के बाद में तब जाकर के पता चलता था यार इसके पेट में बच्चा है। लोग क्या करते थे, उसकी डाइट भी कम कर देते थे उसके चक्कर में कि पता नहीं जो है इसके ये एक्सपेक्टेड है या नहीं है, ठीक है ना। जानवरों की बात कर रहा हूँ, आज के टाइम पर जो है वो है अपना टेक्नोलॉजी है, लोग उसको जान लेते। उसी प्रकार से मेरे कहने मतलब ये है कि अंधेरे में टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, टैक्सेशन बिल्कुल क्वाइट क्लियर होना चाहिए। ये मैं वित्त मंत्री जी के सलाह की इस वजह से नहीं कि वो वित्त मंत्री हैं या सरकार में है या आने वाली सरकार है उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी मैं सराहना इसलिए कर रहा हूँ कि अगर जो चीज क्वाइट क्लियर होती है, देखिए पैसे का लेन देन है, लेन देन के मामले में बिल्कुल साफ सुथरा एकदम से होना चाहिए। अगर वो साफ सुथरा रहता है काम करने में अच्छा लगता है, हमारा भी माइंड सेट क्लियर रहता है। जैसे हमारे को ये बात पता है कि भाई मैं इतना निकालूंगा, मेरा इतना LTCG बन रहा है, मेरा इतना STCG बन रहा है, हम उसको अपना जो कैपिटल गेन को जो है कैलकुलेट करते हैं और उसके मुताबिक अपना टैक्स जो भी हमारा जो है अपना CA है उसको बोल देते हैं भैया ये लो। और ऑलरेडी जो है कुछ जॉब तो ऐसे होते हैं जिनका टैक्स ऑलरेडी जो है कट करके उनको अपना पेमेंट मिलती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैनुअल हम अपना ITR अपना वो कर देते हैं, अपना फाइल कर देते हैं, जो हमारा जो है क्लेम वगैरह थोड़ा बहुत अपना अब जो है हमारा बन रहा है तो हम मांगते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को अगर पसंद आता है गवर्नमेंट हमें उसको दे देती है। तो ये सारी चीजें मतलब जो है बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोगों के मन में ये संशय रह जाता है। बट मैं फिर भी एक चीज बोलना चाहूंगा आपको कि आप अपने SIP रूट पर हैं तो वो ठीक है। दूसरा क्या है, आप अपनी पोजीशन को, ऐसा नहीं है फोमो में आप नहीं आएंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आएंगे, आप कोई हैवी चंक अभी नहीं डालेंगे, ठीक है, आप कोई भी हैवी चंक नहीं डालेंगे, फोमो में नहीं आएंगे, हैवी चंक नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं है कि चाहे वो वित्त मंत्री जी स्टेटमेंट दे दें, चाहे होम मिनिस्टर जी स्टेटमेंट दे दें, चाहे फॉरेन मिनिस्टर जी स्टेटमेंट देते हैं, मार्केट सदैव कभी भी ऊपर कंटिन्यूअस नहीं जाएगी। छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं जो दे रहा हूं आपको, ना ही आपको ये फिक्स्ड रिटर्न देगी, ये हमेशा वोलेटाइल रही है, वोलेटाइल रही, कभी वोलेटिलिटी कम रहेगी कभी वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। और ऐसा भी नहीं मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं देगी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फड और फियर से बचना है। दो चीजें ध्यान रखिए, फियर एंड अनसर्टेनिटी डाउट से बचना है और फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना है। उस समय आपने क्वाइट काम हो करके जो आपका गोल आपने सेट किया, जो आपने एम आपने सेट किया। और दूसरी बात आपको बता दूं, बहुत लोग क्या करते हैं अंधेरे में तीर चलाना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्त, ये है मार्केट, इसमें अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। अंधेरे में तीर चलाओगे ये कभी क्या करेगी, आपके कार्पस को लेकर के बैठ जाएगी, कभी आपको थोड़ा सा जो है वो दिखा देगी अपना गेंद दिखा दी, कभी आपके कार्पस को लेकर के बैठ जाएगी, कभी आपको गेंद दिखा दी, और ये चलता रहेगा, चलता आया है, चलता रहेगा, ये आपके हार्ट बीट के जैसे चलता रहेगा जब तक आपकी जिंदगी है। तो इसमें आपने गोल आपका क्लियर कट क्वाइट होना चाहिए। जिस भी फंड में आप कर रहे हो, मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, आप ले लीजिए कॉपी कलम पेन या आप अपना SIP कैलकुलेटर या लमसम कैलकुलेटर निकाल लीजिए। उसके बाद में आपको कितने टाइम पर कितना अमाउंट चाहिए वो आप कैलकुलेट कर लें और उसको बिल्कुल अपने दिमाग में डाटा फिक्स कर लें, मेरी इस बात को मान लें, नहीं तो काफी समय निकलने के बाद में फिर आपको ये बात समझ में आएगी। जिस दिन आपका गोल कंप्लीट होता है, आइदर आपका गोल कंप्लीट हो जाए समय से पहले या समय के बाद में भी होता है तो भी हमें नहीं है, आप उसको फिर वहां से क्या करें, क्विट कर जाए।
जिनका 10 साल हो गया है, अगर वो मेरे जो है व्यूअर में आ रहे हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने गेन ले लिया है, आपका गोल कम, हाँ आपको पैसे की जरूरत नहीं है तब आप रहने दें, लेकिन अगर आपको जरूरत है, आपका जरूरत फुलफिल हो गया है, तो इंतजार करने की जरूरत नहीं, मारिए गोली, एक SIP अलग उसमें जो है आप शुरू करिए इंडेक्स में, और उसके बाद में अपना लेकर के सौदा, इसको हम वही बोलेंगे ना, अपना सौदा ही बोलेंगे, सौदा आपका फट गया, अपना निकालो, अपना खर्च करो, चल दो। हाँ, आपका अगर अगर रिटायरमेंट का कॉर्पस है, SWP करना है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जिसको बोलते हैं, विड्रॉल प्लान, वो सब करना है, वो अलग बात होगी, लेकिन हर चीज का गोल आपका सेटअप होना चाहिए। जैसे मान लिया बच्चे की एजुकेशन के लिए आपने किया है, यस बच्चा वहां पर पहुंच गया, साल दो साल पहले भी गोल कंप्लीट हो गया, निकालिए और उसके बाद में उसको फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डालिए। आपके अपना आपने सोचा है मैं जो 10 साल के बाद में मकान बनाऊंगा, मकान का मेरे को इतने अमाउंट की जरूरत है, आपका गोल पूरा हुआ, टक से निकाल लो। आपके कार का गोल पूरा हुआ, टक से निकाल लो। आपके टूर का गोल पूरा हुआ, टक से निकाल लो। रिटायरमेंट एक ऐसा कार्पस है जिसके लिए आप वेट कर सकते हो। तो ये बातें आपको बतानी बहुत जरूरी थी, और मेरे ख्याल से वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, मुझे कहीं निकलना भी है, लौकी जी को भी लेकर के जाना है घुमाने के लिए, तो अभी मैं यहीं पर ही चाय की चर्चा को आज विराम देता हूं। रही बात की बॉटम के लिए, मैंने आपको पहले बताया था कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हाँ कंडीशंस 3 सेशन से सुधरे हैं, 3 डेज में सुधरे हैं, अब आज देखते हैं उसके बाद में क्या होता है, ठीक है ना। तो ये करने के बाद में फिर उसके बाद आपको शाम के सेशन में मिलते हैं, और अमेरिका की स्थिति को भी आपको बताते हैं, वहां का उन्होंने उसका विश्लेषण आपको देंगे, तो फिर मिलते हैं शाम वाले सेशन में। और टाइम आपको पता ही है, मैंने ऐसा टाइम चुना हुआ है कि जिससे जो बहुत ही सटीक व्यूअर है, जो इंटरेस्टेड व्यूअर्स है ना, उन्हीं को मिले। रात के मध्याह्न के 12 बजे के रात का हमने पब्लिकेशन का सुना है, दिन के 10 बजे का हमने सुना, जब आप लोगों का बहुत ही बिजी शेड्यूल है तभी हमने सुना, और मैं ये समय बदलूंगा नहीं, सवेरे और शाम के 6 बजे का नहीं करूंगा जब लोग फ्री रहते हैं, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो फ्री वाले सब्सक्राइबर से लेने से क्या मतलब है, जो मेहनत का सहना उनको ही लेना, वही मेरा जो है सबसे बड़ा एम है, इसलिए मैं इस टाइम को चेंज भी नहीं करूंगा, ठीक है ना। रात के 12 से 1 के बीच में ही मेरा पब्लिकेशन होगा, और उसके बाद में दिन में 10 से 11 के बीच में, जब लोग बहुत बिजी रहे, ताकि लोग समय तो निकालें, इंटरेस्टेड लोग हैं तभी तो आए, नहीं तो क्या फायदा ऐसा ज्ञान बांटने का। हाँ ठीक है, मैं मान इसीलिए क्योंकि सबको अगर मान लिया बिना मेहनत के, बिना जो है फ्री का लालच किसी को हजम नहीं होता है, तो मेरे को तो किसी से कोई लालच तो है नहीं, बट मेहनत तो मैं जरूर करवाऊंगा आपसे। मेहनत इसलिए करवाऊंगा कि ताकि मेहनत करने की मादा आपके अंदर पैदा हो, मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर पैदा हो, वो जुनून पैदा हो कि आप रात में जब जागते हैं या सवेरे जब जागते हैं, तो उसके बाद में आपका रात में ही मतलब जो खास करके, तब आपके अंदर एक जुनून पैदा हो काम करने की, कर्मठ आप बने, जुझारू आप बने, तभी तो आप जिंदगी में कर पाएंगे, नहीं तो मार्केट है दोस्त, अच्छे अच्छों को लेकर के डूब जाती है। बट मैं अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को, अगर आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, इन फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेट है आप गेन लेकर के निकलेंगे, ठीक है, गेन लेकर के निकलेंगे। और टाइम टू टाइम मैं जरूर बताता हूँ कि यस अगर आपका एम हो गया है, ज्यादा दिन आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए हो गया, तो आप इतना सा अपना प्रॉफिट बुक करो या इतना सा निकालो, आप इसको पूरा करो। उम्मीद करता हूँ यार जानकारी आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी है तो जो नए व्यूअर हैं वो यार जो सब्सक्राइब किया करो, और जो पुराने हैं वो लाइक एंड शेयर जरूर किया करो, ताकि थोड़ा सा हमें भी लगे कि हाँ यस। और वैसे आप लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफी आप लोग ये कर रहे हैं, उससे मैं जो है फुल्ली सेटिस्फाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका।